बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा ने लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से राजनीति में वापसी की है। गोविंदा शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हो गए। सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद वो औपचारिक तौर पर सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन गए। माना जा रहा है कि आगामी इलेक्शन के दौरान गोविंदा चुनावी मैदान में होंगे। इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि वो उत्तर पश्चिमी मुंबई से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसे ईमानदारी से निभाऊंगा। गोविंदा को डेब्यू राजनीति में साल 2004 में हुआ था। तब वो कांग्रेस पार्टी के टिकट से जीतकर संसद भवन में पहुंचे थे। उन्होंने 20 साल पहले उत्तरी मुंबई से चुनाव जीता था। तब उन्होंने बीजेपी के राम नाईक को हराया था। राम नाईक बाद में यूपी के राज्यपाल भी बने। हालांकि बाद में गोविंदा ने निजी कारणों का हवाला देते हुए राजनीति छोड़ दी थी। मुंबई उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व मौजूदा वक्त में शिवसेना के गजानन कीर्तिकार कर रहे हैं। हालांकि कीर्तिकार की अधिक उम्र के चलते एकनाथ शिंदे गुट कथित तौर पर उन्हें दोबारा मौका देने के मूड में है नहीं। ऐसे में गोविंदा के लिए यहां से लड़ने की संभावना प्रबल मानी जा रही है। सीएम एकनाथ शिंदे के बंगले पर गोविंदा के साथ बॉलीवुड की दो सुपरस्टार बहनें करीना कपूर और करिश्मा कपूर भी पहुंची। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक करीना और करिश्मा पार्टी में शामिल नहीं हो रही है। उनकी भूमिका स्टार प्रचारक की है। बताया जा रहा है कि दोनों बहनें गोविंदा के इलेक्शन कैंपेन में प्रचार कर सकती हैं।